करूँगा, सेकंड स्टडी लॉन्ग आज की स्टडी लॉन्ग में मैं आपको पढ़ाऊँगा हिस्ट्री का पार्ट टू। तो इस हिस्ट्री इतिहास के पार्ट टू में मैं आपको बताऊँगा कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो डायनेस्टी में मैंने हिस्ट्री लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक था फर्स्ट, पहला लंगा शासक मुगलों डायनेस्टी का, कुतुबुद्दीन दिन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम याद रख लीजिएगा। 1206 से 1210 ईस्वी मैं सही लिख रहा हूँ। तो इसने बहुत सारे मेजर काम किए थे। तो सबसे पहले इसका था 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब अजमेर में इसने 2.5 दिन में पूरी बिल्डिंग खड़ा करवा दी थी। एक लिखते हैं अभी की वर्ड्स बना लीजिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। तो ये जो था अजमेर में बना, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा दो अजमेर में बना इन्होंने। मतलब सोच सकते हैं आप, हमारे यहाँ पे सालों साल लग जाते हैं एक बिल्डिंग बनाने में। मतलब अगर सिंपल सा भी घर बनवा रहे तो उसमें भी कम से कम 3 महीने लगते हैं, पर इन्होंने 2.5 दिन में खड़ा एक बिल्डिंग खड़ी करवा दी। सेकेंड काम इन्होंने क्या किया, सेकेंड काम सब लोग जानते हैं, ये नाम पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं, पर मैं बता दूं इन्होंने सेकेंड काम किया है कुतुब मीनार। नाम तो सब लोग जानते होंगे पर ये नहीं जानते रहे होंगे जहाँ तक हमको लग रहा है। इन्होंने बनवाए किस सिखाए थे बहुत लोग जानते होंगे, 50% लोग जानते होंगे, 50% लोग नहीं जानते होंगे। तो वो भी 50% लोग जान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। ये अलग बात, उन्होंने फाउंडेशन रखी थोड़ा सा बना, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनके नेक्स्ट जो डायनेस्टी के जो नेक्स्ट रूलर थे, अगले शासक थे, उसने उन्हें इसको कंप्लीट करवाया। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इन्हें एक टाइटल मिला था लक्ष्मीबक्स। ऐसा क्यों मिला भाई, लक्ष्मीबक्स छोटा नाम थोड़े ना, मैं आपको इसकी मीनिंग समझाता हूँ। लक्ष्मीबक्स ऐसा नाम है जिसे इन्होंने लाखों में मुद्राएं दान कर रखी है। तो इन्होंने बहुत दान किया था इसलिए इनको लोगों ने लक्ष्मीबक्स नाम दिया। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुब मीनार दिल्ली में। नेम इनको ब्रैकेट में नेम दिया गया था लक्ष्मीबक्स, ये भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन नोट कर लीजिए, हो गया नोट ना, बहुत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे नोट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो रूल शासक था मुमलुक डायनेस्टी का या स्लेव डायनेस्टी का, तो वो था आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था मैं आपको बताता हूँ। इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ये था कुतुबुद्दीन का, मैंने बोला था आपको पहले, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार मैं कह देता हूँ कि जो उस समय के गुलाम होते थे वो उनके सेनापति जैसे होते थे, मतलब गुलाम नहीं समझते थे लोग, वो लोग अपना घर का परिवार समझते थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश जो था वो उनका स्लेव भी था, गुलाम भी था, और फिर इल्तुतमिश जो था वो उनका दामाद भी था। तो ये उनके सन इन लॉ था। तो इनका पहले टाइम पीरियड आपको बता देते हैं, तो इनका टाइम पीरियड था 1236 CE, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया, ठीक है। जो सन इन लॉ थे, लिख देते हैं सन इन लॉ ऑफ
बुद्धिन एडम मतलब ये दामाद थे, ठीक है, दामाद लिख देते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इन्होंने चालीसा और चालंगाना बनाया। ये क्या चीज थी? मैं पहले लिखता हूं चालीसा। और चालंगाना भी आप लिख सकते हैं, और तो ये क्या था? ये था 40 मंत्रियों का समूह। मतलब इन्होंने एक बनाया था जैसे किताब टाइप का, तो उस किताब में इन्होंने पूरा लिखा था कैसे क्या नियम है, क्या कानून है, ये सब इन्होंने लिख रखा था उस किताब में। तो उस किताब में इन्होंने लिख रखा था, तो उसको संभालने के लिए इन्होंने 40 मंत्रियों का समूह बनाया था, जिसका इन्होंने नाम दिया चालीसा और चालंगाना। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, चालीसा और चालंगाना। 40 मंत्रियों का समूह, ठीक है, 40 मंत्रों का समूह था, ठीक है। तो आगे आप ये याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, आगे आपको ये बहुत काम आएगा, क्योंकि अगले जो रूलर थी वो इसी की वजह से इसका उनका शासनकाल नहीं चल पाया, ठीक है। अगला मैं रखते आपको, ठीक है। तो अगली जो हमारे रूलर थी वो मुस्लिमों में सबसे पहली महिला शासक थे। आपको नाम बताते हैं हम, तीसरे थे, थी रजिया, सुल्तान। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1236 टू 1236 से 1245। इनका टाइम पीरियड बहुत छोटा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मेरा आपको लगेगा कि 1236 से 1345, तो इसमें मैंने कंफर्मेशन कर दिया, बहुत लोग कह सकते हैं। तो ये थी रजिया सुल्तान। तो ये कौन थी? ये थी डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, मतलब इल्तुतमिश की बेटी। तो इल्तुतमिश की बेटी थी, तो इनके भाई भी थे, तो इनको उनके पिताजी ने दे दिया शासन। तो ये तो थी महिला पहली शासक थी। इन्होंने क्या किया? सारा जितना भी, मतलब आपने सुना होगा बुरखा, मुस्लिम लोग बुरखा पहनते हैं, बुरखा हटवा दिया, कोई बुरखा नहीं पहनेगा, महिलाएं घूम सकती हैं ऐसे। इन्होंने चालीसा और चालंगाना जो उनके पिताजी ने बनाया था उसको ब्रेक कर दिया, क्या बुरखा, चालीसा, नो ये हुआ। अब वो लोग विरोध करने लगे, इनके भाई भी इनके साथ तो थे लेकिन उनको भी विरोध करना पड़ा। तो फिर उन ये अपने जेंडर की वजह से और इन सबके काम की वजह से ये ज्यादा दिन तक शासक रह नहीं पाई, लेकिन तभी बहुत प्राइवेट की बात थी मुस्लिमों के लिए, कितना ही शासक थी। उसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद।
इनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है कि ये उनके भाई थे और इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना 1244 टू 12 बता दिया हमने 66 ठीक है, ये तो हमारा टाइम पीरियड इतने साल होते हैं बस इतना लिखा है। तो मैं इनके नीचे से कॉल मीनिंग कर देता हूँ, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। फिफ्थ थे ग्यासुद्दीन, सुद्दीन बलबन, बलबन इनका टाइम पीरियड दिया था 1266 से 1287। ये था इनका टाइम पीरियड। तो ये बहुत क्रूर राजा थे, मतलब इनके सामने अगर आप गांधी जी ऐसे खड़े हैं तो आपको ऐसे खड़े रहना है, अगर किसी ने इनके सामने ऐसे कर दिया तो उनकी आंखें निकलवा देते थे। और इन्होंने एक पॉलिसी बनवाई थी ब्लड एंड आयरन, क्या ब्लड एंड आयरन, तो ये पॉलिसी थी इस समय, मतलब ये बहुत खतरनाक उस समय ये बहुत खतरनाक राजा थे। और ये सिर्फ मतलब इनको किसी से भय नहीं था, ये बस नॉर्मल रहते थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई और फिर मृत्यु के बाद इनका वो खत्म हो गया। मतलब जब ये खत्म हो गया फिर उसके बाद 1290 तक, तो इनके मतलब सन वन चलाए थे 1290 तक, लेकिन फिर 1290 तक इन्होंने लोगों ने चलाया। उसके बाद फिर आए जलालुद्दीन खलजी, इन्होंने इनके ग्रैंड सन को मारा और फिर गद्दी ले ली। तो जलालुद्दीन खलजी और इनका टाइम पीरियड क्या था आपको बता दें, जानना है 1290 में खत्म हो गया, जलालुद्दीन खलजी ने अटैक कर दिया, ये तो मैंने बता दिया। बट इससे ज्यादा अगर आपको जानना है तो आपको हमारा हिस्ट्री का पार्ट 3 देखना होगा, जिसमें हम बताएंगे। और हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन था कि मैं अपनी क्लास जो है वो हिंदी में पढ़ कर आऊं या इंग्लिश में, ये आप जरूर कॉमेंट्स में बताएं। और दूसरा चीज, आप क्लास 6, 7, 8 और उससे नीचे किसी भी क्लास के कोई डाउट हो आपसे जरूर पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। मेरा नाम विशेष मिश्रा और मैं क्लास 7 पढ़ता हूँ। आपसे जल्दी मिलेंगे इसी के बाद 3 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। प्लीज डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट।